वेलकम बैक टू स्टॉक शो यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 97.8 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। TTEML स्टॉक या फिर फ्राइडे के दिन 1% इस तक गिराव देखने को मिले TTEML के अंदर। तो मार्केट गैप जो है TTEML के यहाँ पे 90,000 करोड़ के करीब आ चुके हैं। बुक वैल्यू देख सकते हो माइनस में है। यहाँ पे ROC नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन जो है मार्केट कैप से ज्यादा है, 19,459 करोड़ का लोन है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी 1100 करोड़ का लॉस पाती हुई नजर आ रही है। EPS -6 तक गया है क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस पा रहे हैं। रिटर्न वो 1 ईयर 48% की गिरावट हो चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ 4% अप है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 7% डाउन है। सेल्स की बात की जाए तो 1100 करोड़ के सेल्स है। सेल्स का ग्रोथ 1.91% है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखे जाए तो देख सिर्फ 5% डाउन है। इन्वेस्टमेंट जो है 124 करोड़ की है। टोटल एसेट 1295 करोड़ की है। तो ईबिटा जो है 78 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोट होल्डिंग अच्छी खासी है इस कंपनी की। एक ही चीज अच्छी दिखाई दी है फंडामेंटल्स में। तो देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर भी नजर डालेंगे। बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाली जाए तो शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो भी यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे 1897 में से यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है 1955 करोड़ का है। फिर यहाँ पे रिजर्व शेयर्स देखे जाए तो माइनस में ही है। बोरोइंग जो थी यहाँ पे सही वैसी ही हल्की सी कम होती हुई नजर आ चुकी है। फिक्स एसेट जो है 753 करोड़ के और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस 25 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट जो है 124 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ चुके हैं सितंबर क्वार्टर में। चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो देख सकते स्टॉक में काफी चॉपी मूवमेंट देखने को मिले। 97 लेवल को एक बार फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो और नीचे जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं।